अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम बेसिकली एक पाकिस्तान में एक ऐसी फसल की दोबारा तजदीद के लिए जो कि कुछ अर्सा पहले, आज से आप कह सकते हैं 10 से 15 20 साल पहले पाकिस्तान में लगाई जाती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी काश्त कम होती गई और इसमें बहुत सारे वाबिल हैं। और आज ये हालात है कि पिछले साल पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल पर सिर्फ 2 एकड़ पे रह गई ये फसल। ये फसल कौन सी है? ये फसल है अदरक, जिंजर। अदरक पाकिस्तान की जो जितने भी खाने हैं, हमारी जो डेली किचन लाइफ है, उसमें इस्तेमाल होने वाला लाजमी अंसर है, लाजमी सब्जी है। इसके बगैर खाना नहीं बनता। इसके अलावा इसके बहुत सारे तिबी फवाइद हैं, बहुत सारी अद्वियात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी रूटीन का हिस्सा है। पाकिस्तान में जो ज्यादातर अदरक है वो थाईलैंड से और चाइना से दरामद की जाती है इस वक्त, उससे पहले ये इंडिया से भी लाई जाती थी। क्या वो अनासिर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अदरक की काश्त में कमी आई है? इस सिलसिले में किसान न्यूज प्रोग्राम एक ट्रेनिंग तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आप अदरक कैसे काश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में अदरक की काश्त का जो सीजन है वो 15 मार्च से लेकर एंड ऑफ अप्रैल तक है, यानी कि 45 दिन का सीजन है। ये मुख्तलिफ इलाकों में एनवायरमेंट के हिसाब से, और इसमें जो आइडियल है एनवायरनमेंट है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आप इसको तमाम मैदानी इलाकों में लगा सकते हैं, और 15 अप्रैल से लेकर इसको आप 15 मई तक इसको आप पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं। अदरक की फसल जो सी है वो आइडियली 8 से 9 महीने की फसल है, तैयार होती है, लेकिन ये इसकी जो आपकी कच्ची फसल है जिसको आप कह सकते हैं वो 6 से 7 महीने में भी वजन दे जाती है। पाकिस्तान में इसकी काश्त कैसे कामयाब बनाई जा सकती है? इस सिलसिले में किसान न्यूज अपनी एक तरबीती वर्कशॉप का इनकार लाहौर में कर रहा है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकली अमली तौर पर दिखाया जाएगा कि जो अदरक का सीड है उसको कैसे तैयार करते हैं स्प्राउटिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए, उसकी फ्लाई जर्मिनेशन कैसे करवाई जाती है, कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट होते हैं जिससे वो बेहतर जर्मिनेट करता है, किस साइज का सीड होता है उसको आप लगा सकते हैं जमीन के अंदर, कौन कौन सी जमीन की तैयारी में क्या करना चाहिए, इसका एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, इसमें नमी को कैसे बरकरार रखना है, इसमें साया को कैसे बरकरार रखना है, इसके अंदर गर्मी को कैसे बरकरार रखना है, इन तमाम बातों को सीखने के लिए। और अदरक की एक नफा बख्श फसल थे, याद रखे अदरक एक नफा बख्श फसल है। पाकिस्तान में अगर आप इसकी काश्त में कामयाब हो जाते हैं तो 1 एकड़ से जो अदरक की फसल है वो 25 से 30 लाख रुपए का मुनाफा नहीं पैदावार देती है, जिसमें खर्चा निकाल के आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है जो कि किसी और फसल से मुमकिन नहीं। तो आप अपनी तरबियत के लिए, इसमें बकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं किसान न्यूज के दिए गए नंबर से और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रेनिंग का इनकार मोस्ट ज्यादा इम्कान है कि ये 10 मार्च से पहले पहले ही किया जाएगा। जाकर खैर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।